नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तालिबान का महिमा मंडन और वाल्मीकि पर टिप्पणी तो मुनव्वर राणा को भारी पड़ी थी, लेकिन ये कहने वाले कि इस बार अगर सीएम योगी बने तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। राणा साहब अब यूपी छोड़कर जाएं या फिर नहीं, पर वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर वो बुरे फंसे हैं। इस मामले को लेकर शायर को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लखनऊ खंडपीठ की 2 सदस्यीय पीठ ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद अब राणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस बीच गुरुवार 2021 अगस्त 2 की रात को खंडपीठ के फैसले के बाद शायर की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें SGPGI में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस मामले को लेकर मुनव्वर राणा के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने लखनऊ में हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि मुनव्वर राणा वाल्मीकि को लेकर बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही राणा ने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वो डाकू था। इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है, वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था रामायण लिखना, जो उन्होंने किया। हालांकि शायद शायर जी का काम अब लगातार विवादित बोल बोलना हो गया है, लेकिन इन विवादित बोल ने ही अब उनको बुरा फंसा दिया है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।